हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम मसाला शिकंजी बनाएंगे। मसाला शिकंजी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका मसाला बनाएंगे। इसके लिए हम एक पैन लेंगे और उसे गरम करेंगे। अब इसमें एक चम्मच जीरा डालकर उसे भून लेंगे। हम इसे ज्यादा नहीं, हल्का ही भूनेंगे। हल्की खुशबू आने पर ही गैस को बंद कर देंगे। देखिए, जीरा हल्का ब्राउन हो गया है। अब गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जीरे को हमने बाउल में निकाल लिया है। अब मसाला बनाएंगे। इसके लिए एक मिक्सी जार लेंगे और इसमें भुना हुआ जीरा, एक चम्मच काली मिर्च, चार से पांच इलायची, दो चम्मच सौंफ, दो दालचीनी के टुकड़े, एक चम्मच काला नमक, और स्वाद अनुसार नमक डालकर सभी को पीस लेंगे। सारी चीजें पिस चुकी हैं। अब मसाले को छान लेंगे। ज्यादा मोटी छलनी नहीं लेंगे, पतली छलनी ही लेनी है। अब जो छलनी में बच गया है आप इसे स्टोर कर सकते हैं और आप इसे चाय में डालकर यूज कर सकते हैं। ये इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है। अब मसाले को एक एयरटाइट कंटेनर में रख लेंगे। ध्यान रहे, कंटेनर एयरटाइट ही होना चाहिए, वरना मसाले की खुशबू उड़ जाएगी और फिर इसमें कोई टेस्ट भी नहीं रहेगा। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन कंटेनर एयरटाइट ही होना चाहिए। अब हम शिकंजी बनाएंगे। अब एक नींबू लेंगे और नींबू को थोड़ा प्रेस कर लेंगे, इससे नींबू का रस ज्यादा निकलता है। अब इसे काट लेंगे। अब एक ग्लास लेंगे और एक पूरे नींबू को ग्लास में निचोड़ लेंगे। अब इसमें दो चम्मच पिसी हुई चीनी, एक चम्मच मसाला,
क्रश्ड आइस डालेंगे। बर्फ को ज्यादा ही डालेंगे। अब इसमें सोडा वाटर डालेंगे। और सभी को अच्छे से मिला लेंगे। ये शिकंजी बन गई है। अब हम दूसरे तरीके की शिकंजी बनाएंगे। इसके लिए एक ग्लास लेंगे और एक पूरा नींबू निचोड़ लेंगे। अब ग्लास में एक चम्मच मसाला, और कुछ क्रश्ड आइस डालेंगे। अब इसमें स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक डालेंगे। अगर आपके पास सोडा वाटर ना हो तो आप इसमें स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप कोल्ड ड्रिंक डालते हैं तो इसमें बिल्कुल भी चीनी ना डालें। अब सभी को अच्छे से मिला लेंगे। दूसरी शिकंजी भी बन गई है। अब तीसरे तरीके की शिकंजी बनाएंगे। इसके लिए भी एक ग्लास लेंगे और एक पूरा नींबू निचोड़ लेंगे। अब इसमें 2 चम्मच पिसी हुई चीनी, 1 चम्मच मसाला और क्रश्ड आइस डालेंगे। अगर आपके पास स्प्राइट और सोडा वाटर में से कुछ भी ना हो तो आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं। भी अच्छे से मिला लेंगे। सोडा वाटर, स्प्राइट और पानी की शिकंजी बनकर तैयार है। आप इसका मसाला बनाकर स्टोर कर सकते हैं और गेस्ट के आने पर आसानी से तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।